Hello everyone, in the series of Transfer of Property Act, today we are going to discuss section 16 of this act. Section 16 talk about transfer to take effect on failure of prior interest. अगर जो prior interest आपने create किया है, जो section 13 और 14 में prior interest create किए जा रहे थे, अगर वो ही fail हो जाते हैं, तो क्या होगा transfer का, property का आगे क्या होगा, property आगे transfer होगी या नहीं होगी, उसके बारे में section में बात करेंगे. Example समझते हैं. A transfers his property to B for life, who is unborn person. A ने एक transfer deed बनाई है कि मैं मेरी सारी संपत्ति B को transfer करना चाह रहा हूँ, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, जो पैदा होगा. Then to eldest son of B absolutely. और जब B की life खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं B को life interest दे रहा हूँ, जब B की death हो जाएगी, तो जो उसका eldest son होगा उसको वो पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिल जाएगा प्रॉपर्टी में. एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मतलब सारे राइट उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आज ए के पास है. तो यहां पे अगर हम बात करें तो सेक्शन 13 में बात करिए कि अगर आप किसी भी अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी देना चाहते हो तो एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए. लेकिन अब यहां पे आप देख सकते हैं कि अनबोर्न पर्सन को ही डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर तब तक नहीं होगी तब तक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा. तो प्रायर इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये जो ट्रांसफर हुआ है ये वॉइड हुआ है, ये ट्रांसफर वैलिड नहीं है. तो इस सेक्शन में बात करिए कि जब प्रायर इंटरेस्ट जो है वो फेल हो जाए तो जो उसका सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट होगा उस ट्रांजेक्शन में, उस ट्रांसफर में, वो भी वॉइड होगा. ये इस सेक्शन में बात करिए. एक एग्जांपल अपन जनरल समझते हैं. जनरल जो सेक्शन है, जनरल जो रूल है वो ये है कि ए ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ देन टू एल्डेस्ट सन ऑफ बी एब्सोल्युटली. अगर ए अपनी सारी प्रॉपर्टी बी को लाइफ के लिए कर देता है और बी एक बॉर्न पर्सन है, एक पर्सन जो प्रेजेंट में एग्जिस्टेंस में है, और फिर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बोल रहा है कि आपको तो मैं लाइफ इंटरेस्ट दे रहा हूँ और उसके बाद आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चे की होगी जो अनबॉर्न है, अभी जो भी पैदा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ये वैलिड है. लेकिन यहाँ पे बी जो है उसको आप लाइफ इंटरेस्ट दे रहे हो और वो भी एक अनबॉर्न पर्सन है, तो यहाँ पे सेक्शन 13 ही कंडीशन वॉयलेट कर रहा है. तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन वॉइड हो रही है प्रायर इंटरेस्ट में ही, तो वो प्रायर इंटरेस्ट जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट होगा उस प्रायर इंटरेस्ट के बाद में, वो भी वॉइड होगा. तो यहाँ पे जो बी को जो ट्रांसफर मिलने वाला था वो भी वॉइड होगा. अब हम सेक्शन पढ़ते हैं. सेक्शन में बात करिए कि वेयर बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल कंटेन इन सेक्शन 13 एंड 14, 13 या 14 जो सेक्शन है, 13 इज अनबॉर्न पर्सन और 14 इज रूल अगेंस्ट परपेचुटी, तो इन दोनों में जो रूल्स कंटेन है इनके अगेंस्ट में कोई भी काम हो रहा है, एन इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, अब बेनिफिट ऑफ अ पर्सन हो सकता है फिर क्लास ऑफ पर्सन भी हो सकता है. मैं आगे बोल दूं कि बी के एल्डेस्ट सन को एब्सोल्यूट जाए या फिर बी के जितने भी सन हो उन सबों को जाए एब्सोल्यूटली इक्वली, तो सिंगल पर्सन भी हो सकता है, क्लास ऑफ पर्सन भी होता है. फेल्स इन रिगार्ड टू सच पर्सन और टू द होल ऑफ सच क्लास, और फेल हो जाए, क्यों फेल हो जाए, एन इंटरेस्ट क्रिएटेड इन द सेम ट्रांजेक्शन, जो उसी ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, एंड इंटेंडेड टू टेक इफेक्ट आफ्टर और अपॉन फेलियर ऑफ सच प्रायर इंटरेस्ट आल्सो फेल. तो जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है अगर वही फेल हो जाता है तो जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट रहा है वो भी फेल माना जाएगा. ये इस सेक्शन में बात करी है. सेक्शन जो 15 है उसमें बात करी थी कि अगर आपने कोई ट्रांसफर किया है और उस ट्रांसफर को करते टाइम जो प्रॉपर्टी है वो एक सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट को मिल रही है, पैरा इंटरेस्ट के लिए तो सही है लेकिन जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है उसमें वैलिड हो रही है, लेकिन सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट अगर क्लास ऑफ सीरीज की है तो जिस क्लास के लिए वॉइड है उस क्लास को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जिस क्लास के लिए वैलिड है उस क्लास के लिए वो सही माना जाएगा. लेकिन यहां बात करिए कि प्रायर इंटरेस्ट जो है वो अगर गलत है तो जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट होगा वो भी वॉइड ही माना जाएगा. प्रायर इंटरेस्ट वॉइड तो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट भी वॉइड. दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन. होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.